जिसका डर था आखिरकार वही हुआ। पठान मूवी को लेकर जब बायकॉट गैंग चुप नहीं बैठ सकते हैं, तो आखिरकार पठान मूवी के स्टार कास्ट कैसे चुप बैठेंगे, पठान मूवी के मेकर्स कैसे चुप बैठेंगे जो करोड़ों रुपए खर्च करके एक प्रोजेक्ट तैयार किए हैं और उस प्रोजेक्ट को कोई डुबाने चले तो आखिरकार इसके लेकर तो अगले कदम तो उठाएंगे ही उठाएंगे। आप लोग को पूरी मामला पता नहीं है तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, जो अहमदाबाद शहर में अल्फा वन मॉल में जो थिएटर है, जी हाँ दोस्तों, उसमें प्रमोशन को लेकर पठान मूवी के रंग बिरंगे पोस्टर लगाए गए। जहां तक भगवा रंग को लेकर बहुत ही ज्यादा विवादों में ऑलरेडी ये फिल्म घिरा हुआ था, जिसको लेकर बायकॉट गैंग, मतलब ये कह सकते हैं जो बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता हैं, हजारों की संख्या में जहां तक थिएटर में घुसकर पोस्टर को फाड़ा, पैरों से कुचला और सिनेमा हॉल के मालिक को धमकी दिया, अगर अगली बार पोस्टर अगर मैंने देख लिया पठान मूवी को लेकर या फिल्म लगाया तो पोस्टर के बदले तुम्हें फाड़ के जाऊंगा। इस तरह की धमकी देने के बाद सिनेमा हॉल के मालिक भी काफी ज्यादा डर गए। यहां तक कि अहमदाबाद के जितने भी आसपास के सिनेमा हॉल हैं, वो सारे पठान मूवी के पोस्टर उतार लिए। इतना डर आखिरकार देखने को मिला है। जहां तक आप लोग को बताना चाहूंगा, जो अहमदाबाद के अलावे भी कई सारे शहरों में जैसे गुजरात, जहां तक हैदराबाद, इस तरह की स्थिति देखने को मिला है। कुछ जगहों पर पठान मूवी को लेकर बायकॉट गैंग कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गए हैं, मगर इसको लेकर इसके खामियाजा भुगतने के लिए भी तैयार है, क्योंकि आखिरकार पठान मूवी के मेकर्स YRF की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी गई है कि अब FIR किया जाने वाला है। जी हाँ, जिन जिन लोगों ने आखिरकार पठान मूवी को लेकर रिलीज में रुकावट पैदा किया है, उन लोगों पर FIR दर्ज किया जाने वाला है, जिसमें से कुछ का नाम भी सिलेक्ट कर लिया गया है। मतलब अप्रोक्स कह सकते हैं जो 17 से 18 लोगों के नाम भी सिलेक्ट कर लिया गया है, बाकी बस अब कदम उठाना बाकी है। तो इस तरह की रिपोर्ट सामने आई है। यहां तक कि जॉन अब्राहम के कुछ ऐसे डायहार्ड फैंस हैं, शाहरुख खान के फैंस क्लब द्वारा अब सिक्योरिटी भी दिया जाने वाला है कुछ सिनेमा हॉल को। जी हाँ, जहां पर काफी ज्यादा विवाद, काफी ज्यादा माहौल खराब है उस जगह, यहां तक कि पुलिस प्रोटेक्शन का भी पूरी इंतजाम किया जाने वाला है, मगर कुछ ऐसे लोग पर अब FIR भी किया जाने वाला है, जिसको लेकर रिपोर्ट सामने आ रहे हैं। 17 से 18 लोगों का अभी तक नाम सिलेक्ट है, बाकी अभी नाम सिलेक्ट होना बाकी है। कुछ लोग अभी और भी जहां तक चंगुल में फंसने वाले हैं। अब देखना यह है कि आखिरकार ये मामला कहां से कहां तक जाता है। बाकी अभी फिल्म के ट्रेलर 10 जनवरी के दिन आने वाला है, पूरी फिल्म 25 जनवरी के दिन रिलीज होने वाली है। जैसे जैसे इस फिल्म के रिलीज डेट नजदीक आते जा रहा है, इसको लेकर विवाद और भी ज्यादा बढ़ते गया है, मगर यह मामला और भी ज्यादा अचानक बढ़ गया है, जिसको लेकर मेकर्स भी अपनी कड़ी कदम उठा लिए हैं। अब देखते हैं आखिरकार पूरी मामला क्या है, क्या अब होता है आगे। आप लोग को क्या लगता है कि आखिरकार पठान मूवी के मेकर्स ने सही किया है या गलत किया है, क्या उनको FIR करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर अपना अपना ओपिनियन जरूर देते जाइएगा। बाकी जो भी आगे रिपोर्ट आएगी मैं आप लोग को बताता रहूंगा और इस बात को लेकर अपना अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। जी हाँ, मिलते हैं अगले अपडेट में।